प्रिय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी साहित्य कक्षा 2 में आप सबों का स्वागत है। बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 चाचा नेहरू कविता पढ़ेंगे और इनके विषय में जानेंगे। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 44 को खोलें और मेरे साथ कविता पढ़ें। चाचा नेहरू, नेहरू चाचा जनता के थे सच्चे साथी। दूर देश के बच्चों को वे भेजा करते चीते हाथी। बच्चों से थे हंसकर मिलते, खूब खिलाते उन्हें मिठाई। कभी पहनते कुर्ता धोती, पाजामा अचकन भी भाई। उनका नाम हुआ दुनिया में, थे भारत के नेता सच्चे। उनकी बात सुना करते थे दुनिया के सब बूढ़े बच्चे। थे प्रधानमंत्री भारत के, उनकी क्या मैं बात बताऊं। मेरा अब यह मन करता है उनका सुंदर चित्र बनाऊं। बच्चों, हमने कविता पढ़ ली है। आइए हम कविता के कठिन शब्दों के अर्थों को जानें। जनता, लोग, साथी, मित्र, अचकन, लंबा, बंद गले का कोट। दुनिया, संसार, जगत, नेता, लीडर, प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े मंत्री। बच्चों, अभी हमने कविता का पठन अभ्यास किया, उसके कठिन शब्दों के अर्थों को जाने। अब मैं आप लोगों को कविता का भावार्थ संक्षेप में बताऊंगी, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। बच्चों, इनका नाम चाचा नेहरू था? नहीं, इनका पूरा नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्रेम और लगाव था। यही कारण था कि बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। उनका जन्मदिन आज भी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे और अपने देश के लोगों के सच्चे साथी थे, मित्र थे। वे दूर देश में रहने वाले बच्चों के लिए खिलौने भेजते थे, बच्चों से हंस-हंसकर बातें करते और मिठाइयाँ बांटते थे। बच्चों, आप जानते हैं, चाचा नेहरू कभी धोती कुर्ता पहनते थे तो कभी पजामा अचकन। भारत की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था। हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में उनका नाम था। वे हमारे देश के सच्चे नेता थे। जब भी वे देश के नाम से संदेश देते या भाषण देते तो क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी बहुत ध्यान से सुनते थे। जब हमारा देश अंग्रेजों के बंधन से मुक्त हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा राष्ट्र झंडा लहरा गया, तब जवाहरलाल नेहरू ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनके बारे में हम जितनी भी बातें करें वे बहुत कम हैं। उन्हें याद करके आज भी बच्चों का मन करता है कि वे उनका चित्र बनाएं। बच्चों, आप चाचा नेहरू के बारे में अच्छी तरह जान गए हैं।
अब मैं कविता को एक्शन के साथ बोलूंगी, आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। चाचा नेहरू, नेहरू चाचा जनता के थे सच्चे साथी, दूर देश के बच्चों को वे भेजा करते चीते हाथी, बच्चों से थे हंसकर मिलते, खूब खिलाते उन्हें मिठाई, कभी पहनते कुर्ता धोती पाजामा अचकन भी भाई, उनका नाम हुआ दुनिया में थे भारत के नेता सच्चे, उनकी बात सुना करते थे दुनिया के सब बूढ़े बच्चे, थे प्रधानमंत्री भारत के उनकी क्या मैं बात बताऊं, मेरा अब यह मन करता है उनका सुंदर चित्र बनाऊं। अब आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और मेरे साथ आप भी एक्शन करके कविता बोलिए। चाचा नेहरू, नेहरू चाचा जनता के थे सच्चे साथी, दूर देश के बच्चों को वे भेजा करते चीते हाथी, बच्चों से थे हंसकर मिलते, खूब खिलाते उन्हें मिठाई, कभी पहनते कुर्ता धोती पाजामा अचकन भी भाई, उनका नाम हुआ दुनिया में थे भारत के नेता सच्चे, उनकी बात सुना करते थे दुनिया के सब बूढ़े बच्चे, थे प्रधानमंत्री भारत के उनकी क्या मैं बात बताऊं, मेरा अब यह मन करता है उनका सुंदर चित्र बनाऊं। बच्चों, हमारा यह पाठ अब समाप्त हुआ। आप लोग पाठ अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ वेबसाइट पर भेजे जाएंगे। आप लोग अपने वेबसाइट को खोलकर शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखिएगा, कविता याद कीजिएगा और लिखकर सीखिएगा। धन्यवाद।